हेलो, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल कॉन्सैप्ट गुरु एके। तो मैं हाँ तुहाडा होस्ट अश्विनी कुमार। प्यारे विद्यार्थियों, प्लस टू पोलिटिकल साइंस की वीडियो है। सैकंड टर्म लई मॉडल टेस्ट पेपर पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने पाया बेटा। ये मॉडल टेस्ट पेपर के नाल इहदा सल्यूशन मैं पा रहा ता कि अप्रैल मई 2022 जिहड़े एग्जाम हो रहे हैं ये पोलिटिकल साइंस विषय का तुहानू एग्जाम किहो जिहा आना वह भी क्लैरीफाई हो जाए तो बोर्ड का दिता पेपर तुसीं सॉल्व भी कर पाओ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंदे ने इहदे विच। ठीक है, सो पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने जिहड़ा मॉडल टेस्ट पेपर पाया उहदा आपां सल्यूशन अज करना है। सो आओ आपां ज़्यादा समां ना गवांदे होइए पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखिए। पहला कुछ आंसर तुहानू मैं बोल के दस रहा, कुछ आंसर तुहानू मैं बेटा रिटन देवांगा, रिटन दिखावांगा ताँ कि तुसीं स्क्रीनशॉट भी लै सको तो नोट भी कर सको। सो मॉडल टेस्ट पेपर 12वीं जमात का पोलिटिकल साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर जिहड़ा बोर्ड ने दिता वै। ठीक है, तो ये कुल प्रश्न 13 ने तुहानू पता ही है। 2 घंटे का समा बोर्ड ने दिता हूँ, ये याद रखियो 2 घंटे का टाइम है। 40 अंक का पेपर है। ठीक है, 40 नंबर का पेपर है, सैकेंड टर्म दूजी टर्म। ठीक है, इस तरह के 100% सेम पैटर्न विच तुहानू पंजाब स्कूल सिक्ख्या का पेपर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन तो डिफरेंट होणगे पर पैटर्न इहो ही होएगा। सो इहदे च लिखिया गया है इस प्रश्न पत्र के 4 भाग हैं, हर भाग दीआं हदायतां नाल दित्तीआं ने। भाग पहला फस्ट पार्ट है जिहड़ा, भाग पहला इहदा हदायतां भी सारे प्रश्न जरूरी हैं। हर प्रश्न का उत्तर 2-3 वाकां विच दिओ, भाव वे 15-20 शब्दों तुसीं आंसर देना। पहला प्रश्न है बेटा, एक दल प्रणाली आम तौर पर किहड़े देशों विच लागू है? इस प्रणाली वाले 2 देशों के नाम लिखो। बेटा एक दल प्रणाली आम तौर पर सामवादी देशों च लागू है, सामवादी देशों विच ये प्रणाली लागू है। तो ये रिलेटड जिहड़े ने 2 कंट्री का नाम लईए तो एक चाइना ते क्यूबा। चाइना ते क्यूबा वो देश ने जिन्हां देशों दे विच सामवादी पार्टी है, सामवादी राज ने, ते चाइना ते क्यूबा एक दल प्रणाली है। भाव इन्हां देशों दे विच कम्युनिस्ट पार्टी हुंदी है। ठीक है, वो देश जिथे मार्क्सवाद के प्रभाव नाल पार्टियां बनिया ने वो देश ने। ठीक है, चाइना ते क्यूबा इस वेले वो देश ने जिथे एक दल प्रणाली है। तो किहड़ा दल है? कम्यूनिस्ट पार्टियां ने उन्हां देशों में। ठीक है, एको ही पार्टी कम्यूनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन हैगा, दूजा प्रश्न है राजनीतिक दल ते हित समूह दीआं कोई 2 अंतर लिखो। ये अंतर आपां लिखती देखांगे हुणे 2 मिंट बाद। तीजा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कदों हुई ते वर्तमान समय इस दे किन्ने मैंबर हन? बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्तूबर 1945 नूं हुई। 24 अक्तूबर 1945। ठीक है, 24 अक्तूबर 1945। ठीक है, 1945। ठीक है, 1945 में 24 अक्तूबर संघ की स्थापना हुई तो वर्तमान समय इस दे 193 देश इस दे मैंबर ने। ठीक है, तीजे प्रश्न का उत्तर है। चौथा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने सर्वव्यापी मनुखी अधिकारों के ऐलान कदों किया तो मनुखी अधिकार दिवस हर साल कदों मनाया जाता? बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वव्यापी मनुखी अधिकारों का ऐलान किया 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948। तो हर साल 10 दिसंबर मनाया जाता है मनुखी अधिकार दिवस, यानी ह्यूमन राइट्स डे। दूजे भाग विच, भाग दूजा शुरू हो गया, दूजे भाग विच कोई 4 प्रश्न हल करने हैं। हर एक का उत्तर 5-7 वाकों विच देना है, 5-7 वाकों विच आंसर देना, याद रखना है। ठीक है, बहुत लंबा लिखने की लोड़ नहीं, 2 पॉइंट आंसर लिखो ता कि तुहानू नंबर मिल सके। आपां 6 प्रश्न ने, 6 चे तुसी फाइनल एग्जाम चे 2 ही करने हैं पर असी इत्थे तुहानू 6-6 आंसर देंगे। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लवां फिर आप आंसर वाल चलते हैं। 5वां प्रश्न है, राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्यों का वर्णन करो। 6वां प्रश्न है, हित ते दबाव समूहों की कोई 4 विशेषतावां लिखो। 7वां प्रश्न है, 2 दल प्रणाली की है?
कोई दो देशों के नाल दसो जिथे दो दल प्रणाली है। अठवां प्रश्न है भारत ते पाकिस्तान विचाले तनाव दे कोई चार कारण लिखो। नौवां है राष्ट्रीय एकीकरण दे राह विच आउण वालियां रुकावटां चार रुकावटां दा वर्णन करो। दसवां है पंचशील की है ते इहदे सिद्धांत लिखो। आओ बेटा आपां PDF तों देखदे आ दे आंसर। सो जिहड़ा आपां बाद विच तुहानूं कहा सी आंसर दसांगे उह सब तों पहला प्रश्न सीगा, यानी कि पहले भाग दा दूजा प्रश्न सी राजनीतिक दल ते हित समूह विच कोई दो अंतर दसो। सो किहड़े दो अंतर ने? पहला अंतर हैगा ये दो नंबर वाले क्वेश्चन विच आया सी बेटा, संगठन विच अंतर। राजनीतिक दल पूरी तरह संगठित हुंदे हन ते संगठन विच ही इहनां दी शक्ति हुंदी है, जदों कि दबाओ समूह संगठित तां हुंदे हन परंतु इहनां संगठन इन्ना मजबूत नहीं हुंदा। प्रभाव विच अंतर। राजनीतिक दलों का प्रसार आम तौर पर राजनीतिक पद्धर ते हुंदा, जबकि इहदे मुकाबले च दबाओ समूहों का प्रभाव जिहड़ा उह सीमित हुंदा है। ठीक है जी। सो नैक्सट आपां देखांगे आंसर। अगला क्वेश्चन जिहड़ा सीगा वड्डे प्रश्नों के, यानी भाग दूजे दे विच, भाग दूजे च आपां क्वेश्चन नंबर 5 देखिया सी राजनीतिक दलों के कोई चार कामों का वर्णन करो, चार कार्यों का वर्णन। ये आपां चार कार्य ने, ये तुहाडे मॉडल टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 5 सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सी, इहदा आंसर सी ये लोकमत उसारी। राजनीतिक दल अपना प्रोग्राम नूं जनता के सामने रखते हैं तो उन्होंने हक में लोकमत की उसारी करते हैं तो लोकमत नूं अपने हक में करन दा यतन करते हैं। अगला जी चोणां लड़ना। राजनीतिक दल वख-वख पद्धर ते कराईआं जाण वालीआं चोणां विच लई उम्मीदवार खड़े करते हैं तो उन्हां दी सफलता लई अपना पूरा जोर लाते हैं, तान लाते हैं। सरकार बनाउणा। वर्तमान लोकतंत्र सरकारां राजनीतिक दलों दीआं सरकारां हन अते चोणां विच सफलता प्राप्त करन पिछों संबंधित राजनीतिक दल सरकार बनाउंदा ते राज प्रबंध चलाउंदा। लास्ट हैगा सरकार नूं जिम्मेवार बनाना। विरोधी दल सरकार दीआं कमजोरियां नूं घाटदे हन ते इस तरह सरकार नूं जिम्मेवार बनाउण दा काम करदे ने। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 दा आंसर सीगा। क्वेश्चन नंबर 6 सीगा क्वेश्चन नंबर हित ते दबाओ समूह दीआं हित, क्वेश्चन नंबर 6 सी हित ते दबाओ समूह दीआं कोई चार विशेषतावां दा वर्णन करो। सो पहली विशेषता यह है रसमी संगठन हुंदा वा, दबाओ समूह रसमी तौर पर संगठित लोगों के समूह हुंदे हन ते इहनां दा संगठन ही इहनां समूहों नूं शक्ति प्रदान करता है। विशेष हितां दी राखी। दबाओ समूह विशेष हितां दी राखी लई होंद विच आउंदे हन ते अपने इस उद्देश दी पूर्ति लई कई बार वो सर्वजनक हितों नूं अखोले भी करदे हन। इच्छुक मैंबरी। दबाओ समूह दे मैंबर बनना व्यक्ति की इच्छा ते निर्भर करता है ते मैंबर बन लई उस उत्ते किसी भी किस्म का दबाव नहीं पाया जाता। लास्ट है राजनीतिक दलों सत्ता प्राप्ति का उद्देश नहीं। दबाओ समूहों का उद्देश राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके सरकार बनाना नहीं हुंदा। नैक्सट हैगा जी प्रश्न हैगा, इत्थे नहीं हैगा, उहदा सीगा 7वां प्रश्न सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सीगा बई दो दल प्रणाली की है ते कोई दो दिशा नां दसो जिथे दो दल प्रणाली है। विद्यार्थी नोट करो, दो दल प्रणाली वो प्रणाली है जिथे दो राजनीतिक दल प्रमुख हुंदे ने। ये नहीं है कि होर नहीं हुंदे, होर दल भी हुंदे ने पर दो ही दल प्रमुख हुंदे ने ते उही दोवां दलों की वारों वार सरकार बनी जाती है। कई बार दो दो वारियां कट जाते हैं फिर नैक्सट जो चेंज होनी है दूजी पार्टी सरकार बन जानी है। ठीक है, तो इस तरह दो दल प्रणाली जिहड़ी है अजिही प्रणाली है जिथे दो प्रमुख दल हुंदे ने। इंग्लैंड अते अमेरिका अजिहे दो देश ने जिथे दो दल प्रणाली लागू है। ये 7वें प्रश्न के उत्तर तुसीं लिख सकदे हो। इस तों बाद 8वां प्रश्न हैगा भारत अते पाकिस्तान विचाले तनाव दे कोई चार कारण लिखो, क्वेश्चन नंबर 8। सो 8वें प्रश्न का भारत पाकिस्तान तनाव के कारण। सो पहला कारण हैगा कश्मीर समस्या। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है जबकि पाकिस्तान इस तत्थ नूं स्वीकार करने लिए तैयार नहीं है। वह समय समय से अंतरराष्ट्रीय मंचां ते कश्मीर का राग लापदा रहिंदा। अज भी कश्मीर का लगभग तीजा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है ते भारत इस नूं प्राप्त करना चाहुंदा है।
दूजा तनाव का कारण हैगा आतंकवाद। पिछले लंबे समय तो भारत सरहद तो पार पाकिस्तान द्वारा उत्साहित तरंग आतंकवाद गतिविधियां नाल जूझ रहा, जिन्हों के नतीजे वजों भारत को समय समय वड्डी मात्रा च जानी ते माली नुकसान उठाना पै रहा। भारत द्वारा समय समय पाकिस्तान के इस तत्थों में सहत जानकारी दी गई है, जबकि पाकिस्तान इस तत्थ को स्वीकार करने तैयार नहीं है। तीजा तनाव का कारण हैगा दरियाई पानिया की वंड। दरिया सिंध जेलम और रावी के पानिया का वंड का विवाद भी दोवें देशों की तनाव का कारण है, भावें कि इस विवाद के हल लिए 1960 सिंध जल संधि की गई, परंतु दोवें देशों विचकार पानिया की वंड का विवाद ज्यों का त्यों कायम है। नैक्सट क्वेश्चन बेटा नौवां क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर नौ है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में एकीकरण के रस्ते आने वाली रुकावटा, चार रुकावटा। सो पहली रुकावट जो आप गल करिए भाषावाद। भारत बहुगिन भाषी राज है जिस विच अनेक भाषावान बोलिया जाती हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषावान मानता दी जाती है, परंतु भाषाई कट्टरता हाले भी कायम है तो राष्ट्रीय एकता के रस्ते रुकावट है। दूजा खेतरवाद, भारत में लोग समुचे राष्ट्र के मुकाबले अपने खेत्र को वधेरे महत्व देते हैं, जदों कि जिसके नतीजे वजो उन्होंवाद की भावना पैदा होती है। संप्रदायिकता, भारत में अनेक धर्मां ते संप्रदावां संबंधित रखने वाले लोग रहिंदे हन, जिन्हां नतीजे वजो उन्हां विच संप्रदायिकता की भावना ने जन्म लिया। गरीबी, भारत में व्यापक पद्धर ते पाए जाने वाली गरीबी राष्ट्रीय एकीकरण के रस्ते रुकावट है। नैक्सट है जी दसवां प्रश्न है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचशील की है तो पंचशील के सिद्धांत की ने, यह आंसर है बेटा। 20 अप्रैल 1954 भारत के भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई द्वारा एक समझौता किया गया, जिन्हों पंचशील का सिद्धांत किया जाता है। ये किया गया सीगा एक दूजे राज की प्रदेशक खंडता ते प्रभुसत्ता का सत्कार करना, एक दूजे राज ते हमला ना करना, एक दूजे राज्यां दे अंदरूनी मामले च दखलंदाजी ना देना, सारे देशों की समानता नूं स्वीकार करना ते आपसी समान हितां लई सहयोग देना, शांतिपूर्ण आपसी सहयोग दे सिद्धांत नूं अपनाउणा। सो बेटा ये 6 प्रश्न सी जिहड़े सैकंड भाग दूजे विच सीगे, आपां मॉडल टेस्ट पेपर तुहानूं पता कर रहे हैं जिहड़ा पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने दिता, उस पेपर का हल आपां डिस्कस कर रहे हैं। दोबारा क्वेश्चन पेपर पहला अगला जिहड़ा क्वेश्चन सी वो पैरे वाला क्वेश्चन आपां देखांगे। ओके ये आपां क्वेश्चन देख ले, हुण इह पैरे वाला प्रश्न है, इस पैरे वाले प्रश्न के उत्तर जिहड़े ने उस पैरे नूं पढ़ के तुसीं बड़े आराम नाल दे सकदे हो, फिर भी आपां एक बार फटाफट पैरे नूं पढ़ लवांगे। देशों में मित्रता ते शांति स्थापना लई कई खेत्र ते अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं। UNO इस तरह का अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसके 6 अंग हैं। महासभा सारे संसार की विधान पालिका है ते सारे संसार लई कानून बनाउंदी है। सुरक्षा परिषद सलामती कौंसल का के UNO दे मैंबर देशों की सुरक्षा करना है जिहदा काम है। इस तरह SAARC एक खेतरी संगठन है जो दक्षणी एशिया के मैंबर देशों जिन्हों की गिणती 8 है वालों बनाया गया। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका ते बांग्लादेश इसके मैंबर हैं। इस संगठन का स्थाई सकत्तरेत नेपाल की राजधानी काठमांडू विखे है। COVID-19 रोकने लई भी इन संगठनों वालों कई कदम चुके गए हैं। प्रश्न ने छोटे छोटे किहड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, तुहानू पता ही है UNO अंतरराष्ट्रीय संगठन है। दूजा प्रश्न है हेठ लिखे विचों कौन SAARC का मैंबर नहीं है, चीन SAARC का मैंबर नहीं है। तीजा प्रश्न है UNO की डैश नूं संसार की विधान पालिका कहा जाता है, UNO की डैश नूं संसार की विधान पालिका कहा जाता है, महासभा। देखो इहदा आंसर हैगा महासभा। लास्ट क्वेश्चन है देशों वालों खेत्र ते अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों बनाए जाते हैं। देशों वालों देखो देशों दे विच मित्रता ते शांति स्थापित करने लई खेतरी ते अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं। सो ये सीगा क्वेश्चन नंबर 11 जिहड़ा आपां डिस्कस किया है। हुण आपां फिर उधरों आंसर देखांगे पर पहले इधरों सारे प्रश्न पढ़ लवांगे। प्रश्न हालांकि तुसीं दो ही करने, आपां चारां दे आंसर दे दित्ते ने।
विरोधी धिर यानी पार्टी की भूमिका ते महत्ता नूं दसांदे होए विरोधी धिर दे छे कार्य दा वर्णन करो, जां ए करना वै जां ए करना, दबाव समूह की हुंदे हन अते दबाव समूह की कार्यविधि दे चार ढंगां दा वर्णन करो। 13वां प्रश्न है विश्वीकरण तों की भाव है, विश्वीकरण दे चार गुणा जां लाभां दा वर्णन करो। ये नाल ही ऑप्शन से दूजा सवाल है, जो करना चाहे करना, भारतीय विदेश नीति दियाँ कोई छे विशेषतावां वर्णन करो। आओ आप इन क्वेश्चन के आंसर देखिए। विरोधी धिर वाला क्वेश्चन बेटा पहला प्रश्न सीगा, विरोधी धिर दी यानी विरोधी पार्टी की भूमिका ते महत्ता नूं दर्शाते हुए विरोधी धिर दे छे कारजां दा वर्णन करो। सो की हुंदी है विरोधी धिर दी भूमिका? लोकतंत्री देशां विच राजनीतिक दलां दी महत्ता हुंदी है, जिस नूं चोणां विच बहुमत प्राप्त हुंदा है वह सरकार बणाउंदा, जिहड़े भी दल नूं बहुमत प्राप्त हुंदा वह सरकार बणाउंदा, ते बाकी दलां नूं समूहक तौर ते विरोधी दल कहा जांदा। संसदीय शासन प्रणाली विच विरोधी दल की काफ़ी महत्ता है। भारत विच विरोधी दल के नेता नूं कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिता जाता है, तो दोनों विच सदनों विच विरोधी दल नूं कानूनी मानता दी जाती है। इंग्लैंड विच इस नूं समार्ट सम्राट का वफादार विरोधी कहा जाता है। सो विरोधी दल के काम किहड़े ने? सरकार की आलोचना करना, जिथे भी किते सरकार कोल गलती हुंदी है विरोधी दल सरकार की आलोचना करता है। दूजा लोगों को राजनीतिक सिक्ख्या प्रदान करना, विरोधी दल लोगों को राजनीतिक सिक्ख्या प्रदान करता, तो जदों भी लोड़ होवे जनता नूं सिक्ख्या प्रदान करता, एजुकेट करता, इलैक्शन दे विच भी देश दीआं समस्यावां ते प्रॉब्लम बारे जानकारी दिंदा। तीजा गल लोगों दीआं शिकायतां दूर करनियां, विरोधी दल लोगों दीआं शिकायतां दूर करदे ने ते सरकार तक लोगों दीआं शिकायतां नूं पहुँचाते हैं, लोगों नूं समस्या है तो इहनूं हल किया जाए। अगला है जी लोक मत विच सहायता करनी, विरोधी दल लोक मत तैयार करते हैं, कोशिश ये करते हैं भी जिहड़ी सरकार बनी है उहदे विरुद्ध ते साडे हक विच लोक मत तैयार हो जाए। सरकार नूं सुझाव देने, विरोधी दल सरकार का विरोध ही नहीं करते सगों कई समस्यावां दे हल लई सरकारां नूं सुझाव भी देंदे ने। लास्टली सरकार की निरंकुशता नूं रोक लाना, विरोधी दल ये भी कोशिश करता भी सरकार मनमर्जी ना करे, संसद दे अंदर ते बाहर सरकार का विरोध करते हैं ते सरकार की मनमर्जी ते रोक लाने का पूरा कोशिश करते हैं। सो ये सीगा क्वेश्चन नंबर 12वां। हुण आपां करांगे क्वेश्चन नंबर 12वां का सैकंड ऑप्शन जां वाला, दबाव समूह की हुंदे ने ते दबाव समूह की कार्यविधि के चार ढंग, बेटा चार ही ढंग की गल करांगे। दबाव समूह जिहड़े ने उह ने जिहड़े सरकार ते दबाव पाउंदे ने ते अपनी मंगां मनवाउण की कोशिश करते हैं। सो इन्हां दे चार ढंगां की गल करांगे। पहला ढंग है बेनती पत्र भेजना, दबाव समूह अपनियां मंगां नूं मनाउण लई सरकारी अधिकारियों नूं जां विधायकों नूं बेनती पत्र भेजदे हन तां जो उह सरकार नूं अपने विचारां तों जाणू करा सकन। दूजा काम है चोणां विच समर्थन करना, दबाव समूह अपने हितां दी रक्षा लई कई वार राजनीतिक पार्टियां दा चोणां विच समर्थन करदे ने, पार्टियां नूं आर्थिक सहायता भी प्रदान करदे हन अते पार्टी उम्मीदवारां जित्तण उपरंत उहनां दे हितां दी रक्षा करदे हन। हड़ताल बंद रैलियां ते प्रदर्शन, दबाव समूह कई बार अपनियां मंगां मनाउण लई हड़तालां रैलियां ते प्रदर्शन दा सहारा लैंदे ने ते जो तां जो सरकार दा ध्यान अपने वल आकर्षित कर सकन। लास्ट पॉइंट हैगा अदालतां नूं शरण देना, कई बार संसद अजिहे कानून जां अध्यादेश पास कर दिंदी है जो दबाव समूह दे हित लई नुकसानदायक हुंदे ने, इसलिए उह अदालतां नूं दी शरण लैंदे ने ते इन्हां तां जो इन्हां कानूनां नूं गैर कानूनी घोषित किया जा सके। नैक्सट बेटा आपां गल करांगे अगले प्रश्न की, प्रश्न विश्वीकरण का की भाव है, तो ये चार गुणा दा लाभ, विश्वीकरण के चार गुणा की आपां गल करांगे। बेटा विश्वीकरण का भाव है जदों सारा संसार एकमिक हो जाए, सरकार सारा संसार एक मंडी बन जाए तो उसनूं विश्वीकरण कहा जाता है। देशां दा इंपोर्ट एक्सपोर्ट लैण देण जो खुल के होने लग पे, शर्तां घट तो घट होण तां समझो विश्वीकरण है। इस दीआं इहदे चार गुणा बारे आपां गल करांगे। सो गुण नंबर 1, 2, 3 ते 4, पहला गुण है उद्योगीकरण का विस्तार, ये भारतीय उद्योगिक विकास नूं पिंजर विच बंद टाइगर कहा जाता क्योंकि पिछले 60 सालों में अनेक पाबंदियां ते लाइसेंस प्रणाली कारण ये वधन फुलण विच असमर्थ रही है। इस तों रोकां हटा लैण नाल ये सिंगापुर दक्षणी कोरिया मलेशिया आदि देशों की अर्थव्यवस्था की तरह विकास कर सकेगी ते भारत एक उद्योगिक दैंत बन पाएगा।
अगली गल है कि उपभोक्ता लाभ उत्पादन के वाध ते वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार का उपभोक्ता लाभ होएगा तो वह अपनी पसंद की वस्तु घट कीमत खरीद सकेंगे तो उन्होंने केवल सर्वजनक खेत्र बनिया घटिया वस्तुआं ही खरीदने लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। ये लाभ आप कर रहे हैं विश्वीकरण के। तीजा लाभ है जी, वो पहला दूजा सी, तीजा चौथा है रोज़गार विच मौकों च वाधा। उद्योगिक विकास उद्योगिक विकास के नतीजे वजों रोज़गार के वधेरे मौके पैदा होणगे ते वधेरे लोगों नूं रोज़गार मिलेगा। लास्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था नाल जुड़ेगी। विश्वीकरण के नतीजे वजों सारा संसार एक परिवार जां विश्व पिंड विच बदल गया है। इस नाल भारत की अर्थव्यवस्था भी विश्व की अर्थव्यवस्था नाल जुड़ जाएगी तो इस नूं अनेक लाभ होणगे। सैकेंड ऑप्शन वाला लास्ट क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति दीयां कोई 6 विशेषतावां दा वर्णन करो। सो भारतीय विदेश नीति दीयां विशेषतावां गुटनलेपता पंचशील है, UNO की मैंबरशिप है, विश्व शांति है, निशस्त्रीकरण है, समराजवाद तो बस्तीवाद का विरोध है, राष्ट्रमंडल की मैंबरशिप है। आओ आप थोड़ा जि डिस्कस कर लिए गुटनलेपता। गुटनलेपता तो भाव किसी गुट में शामिल ना होना। जदों भारत आज़ाद होया तो संसार दो गुटों में वंडा गया सी, एक गुट अमरीका का तो दूजा गुट सोवियत संघ का सी। दोनों देशों में शीत युद्ध चल रहा सी पर भारत इन्हां दोवां गुटों में शामिल ना होया। भारत नूं दोवें गुटों के देशों को आर्थिक और तकनीकी मदद की लोड़ सी। दूजा सिद्धांत हैगा पंचशील। पंचशील तो भाव पंच सिद्धांत। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नहरू ते चीनी प्रधानमंत्री चाऊ इन लाई विचकार उन्हां विच पंज सिद्धांतों पर दस्तखत किए गए, जिवें एक दूजे देश ते हमला ना करना, एक दूजे देश की प्रभु सत्ता ते प्रदेशिक अखंडता का सन्मान करना, समानता ते आपसी सहयोग, एक दूजे देश के अंदरूनी मामले च दखलअंदाजी ना देना ते पंजवां शांतमई सहिहोंद। UNO संयुक्त राष्ट्र संघ की मैंबरशिप। विश्व पहला विश्व युद्ध 1914 तो 1919 तक चलिया सी, कोई भी होर विश्व युद्ध ना हो इसलिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, पर यह संस्था फेल हो गई क्योंकि कुछ साल बाद ही दूजा विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1939 तो 1945 तक चलिया। इस नाल परमाणु बंबां कारण मनुखता का बहुत नुकसान होया, ये सारा इस युद्ध नाल कंब गया। सो ओके आपां वैसे डिस्कस कर लाँगे। सो इस तरह जिहड़ा वै UNO की मैंबरशिप भारत ने प्राप्त की 1951 च। विश्व शांति का समर्थक भारत जिहड़ा विश्व शांति का समर्थक है तो सारे संसार में शांति फैलाना चाहता है। निशस्त्रीकरण का समर्थक भारत निशस्त्रीकरण का समर्थक है। भारत चाहता है भी संसार हथियारों की दौड़ शामिल ना होए तो नियमबद्ध ढंग सारे संसार में हथियार खत्म हो जाए। समराजवाद तो बस्तीवाद का विरोध भारत समराजवाद तो बस्तीवाद का विरोध करता तो चाहता है भी कोई देश दूजे देश से कब्जा ना करे तो ना ही कोई होर देश दूजे देश को गुलाम बनावे। लास्टली राष्ट्रमंडल की मैंबरशिप भारत राष्ट्रमंडल का मैंबर रहा है क्योंकि राष्ट्रमंडल के मैंबर बने रहन नाल सानू खेडां दे खेत्र विच जां सभ्याचार के खेत्र में कई देशों का सहयोग मिल रहा है। सो प्यारे विद्यार्थियों मॉडल टेस्ट पेपर में आप सॉल्व करने की कोशिश की है। मैं आस है कि तुहानू ये एक बार पढ़ने नाल देखने नाल दोबारा तुहानू क्लीयर हो जाएगा एग्जाम किहो जिहा होना है तो तुसीं किवें उहदा उत्तर देना। सो सारे विद्यार्थी लाइक शेयर ते कमेंट भी जरूर करना। जिहड़े विद्यार्थी ने अजे तक भी सबसक्राइब नहीं किया मेरे चैनल कॉन्सैप्ट गुरु AK नूं सबसक्राइब करना ता जो पोलिटिकल साइंस ना रिलेटड प्लस टू ना रिलेटड तुसी मटीरियल देख सको। मेरी वीडियोज़ ने प्लेलिस्ट बनी है तो मैं लाइव भी क्लासा लगा रहा वहाँ प्लस टू ओल्ड प्लस टू वास्ते भी फ्रैश वास्ते भी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग कॉन्सैप्ट गुरु AK। थैंक यू।